एशिया कप मैच में पाकिस्तान का सामना करने से पहले भारत को देर से बढ़ावा मिला। राहुल द्रविड़ को दुबई में अपने टूर्नामेंट में पदार्पण के लिए भारत का नेतृत्व करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें रविवार को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने महत्वपूर्ण एशिया कप मैच से पहले बढ़ावा मिला है। एशिया कप के लिए भारत की यूएई यात्रा से पहले द्रविड़ ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और टीम के पूर्व साथी वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच से पहले कप्तानी दी गई थी। हालांकि द्रविड़ भारत के लिए टूर्नामेंट के ओपनर में खेलने के लिए समय पर ठीक होने में सक्षम थे और बाबर आजम की टीम के खिलाफ उत्सुकता से प्रत्याशित खेल के दौरान टीम की रणनीति के प्रभारी होंगे। भारत के आगामी 3 मैचों से पहले लक्ष्मण के दुबई छोड़ने और अपनी ही टीम में शामिल होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में 4 दिवसीय खेल। द्रविड़ की अनुपस्थिति में पूर्व टेस्ट स्टार इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान भारत की कमान संभाल रहे थे और एशिया कप की तैयारियों में रोहित शर्मा की टीम की सहायता कर रहे थे। 1 सितंबर को उसी स्थान पर हांगकांग के खिलाफ अपने मुकाबले से पहले भारत रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से खेलेगा।